आज संकल्प यात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जाने का आज शुभारंभ हो रहा है। जनता इंतजार कर रही थी कोई ऐसा नेता आएगा, कोई धरती पुत्र आएगा जो हमारा बात को सुनेगा। ये ठगी हुई ठग रहा सरकार इसको बोलते हैं, ये ठगी करने वाले सरकार के खिलाफ कौन ऐसा बेटा आएगा जो लड़ेगा कि 14 का 14 सीट हमको दे दो, हम अलग राज दे देंगे। झारखंड की जनता 14 का 14 सीट दिया और भाजपा भी अलग राज दे दिया, मतलब जो कहा वो किया। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा संकल्प यात्रा 14 अगस्त से प्रारंभ की थी, हालांकि आज संकल्प यात्रा का समापन है और 30,000 कार्यकर्ता यहां पर 6 विधानसभा से पहुंचे हुए। फिलहाल हमारे साथ युवा कार्यकर्ता है कमलेश राम जी, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और आगामी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी का आना, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में कैसा असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंड के दर्द को समझती है और झारखंड से हमेशा जुड़े रहती है। आप इतिहास उठा के अगर देखेंगे तो अलग राज्य के लिए कितने आंदोलन हुए, कितने लोग बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस कभी अलग राज्य दिया नहीं, उल्टे आंदोलनकारियों को कुचलने का काम किया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले कोई काम किया तो हमारे आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए हमको अलग राज्य दिया। जो अलग राज्य दे सकता है तो झारखंड से अलग कैसे हो सकता है? इसलिए जब जब झारखंड के लोग परेशान होते हैं तब तक भाजपा खड़ी होती है। अभी वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रकार से लोक लुभा नारा देकर, महिलाओं को चूल्हा बता देने की बात कहकर, नौजवानों को 5 लाख रोजगार देने की बात कहकर, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहकर, कई जो वादे थे ऐसा कहकर वो सरकार पे आए, लेकिन सरकार में आते ही तमाम वादे भूल गए, नौजवान बेरोजगार सड़क में घूम रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नई चीज़ नहीं है, जब जब भाजपा झारखंड संकट में आएगा भाजपा ही खड़ी होगी। उस समय भी संकट में आया तो भाजपा खड़ी हुई थी। आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो झारखंड दौरा हुआ है और 15 नंबर का आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, तो इसका साफ यही संकेत है कि झारखंड से भाजपा बेहद प्यार करती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में अपार जन समर्थन मिलता है। हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारे जो है विपक्षी दल कहती और करती अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब सब जानता है, जो कहता वही करता है। आज तक भाजपा ने जब अटल जो लाल कृष्ण आडवाणी जी जब चुनावी सभा कर रहे आए थे, याद किए 2000 से पहले जो चुनाव था, मोराबादी मैदान पे कहा था कि 14 का 14 सीट हमको दे दो, हम अलग राज दे देंगे। झारखंड की जनता 14 का 14 सीट दिया और भाजपा भी अलग राज दे दिया, मतलब जो कहा वो किया। इसलिए जो कहा वो किया, इसलिए भाजपा के साथ जन समर्थन है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं। और निश्चित तौर पर झारखंड के लोग काफ़ी खुश हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को, जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ा, जल जंगल जमीन की लड़ा, भाषा संस्कृति की लड़ा, हमारा आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुखद झारखंड के लिए क्षण होगा कि विश्व के सबसे बड़े नेता झारखंड आ रहे हैं। अच्छा, विश्व के सबसे बड़े नेता आप बोल रहे हैं कि वो झारखंड आने वाले हैं, तो फिर जो लंबे समय से जो मांग चल रही है सरना धर्म कोड का, वो बीजेपी अभी तक केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता का हमेशा साथ रहती है। ये भी जो जनता मांग, जो जिस प्रकार से मांग करे, चाहे सरना कोर्ट की मांग करे, चाहे अन्य किसी प्रकार की मांग करे, अब देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी जनता से दूर नहीं है। जनता को कब क्या चाहिए भाजपा ही जानती है। अब देखिए ना, जनता कहीं पर भी, यहाँ लाखों की संख्या में क्यों आई, कोई भाड़े से लाया गया आदमी नहीं है, या सरकारी प्रकार से सरकारी लाभ दिलाकर, या फिर आपको यह कहें कि सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर प्रशासन को लगाकर इस प्रकार हेमंत सोरेन कर रहा है, वैसा नहीं है। जनता जानती है, जनता जो चाहती है भाजपा भी करती है। आने वाला समय आप देखेंगे जनता का हर मांग पूरा करेगा भाजपा। ये जो हुजूम है इस मैदान पर जो कार्यकर्ताओं का, जनता का, तो ये एक तरह से आगामी चुनाव का संकेत दे रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी संकल्प यात्रा का प्रारंभ किए, उस समय हम लोग को तो नहीं लगा था कि जनता ऐसा अपार जन समर्थन देगा, लेकिन जनता इंतजार कर रहा था कि वर्तमान हेमंत सोरेन जिस प्रकार से ठगा लोगों को, पहले भी मैंने बताया कि इस प्रकार से ठगा, तो जनता इंतजार कर रही थी कोई ऐसा नेता आएगा, कोई धरती पुत्र आएगा जो हमारा बात को सुनेगा। ये ठगी हुई ठग रहा सरकार इसको बोलते हैं, ये ठगी करने वाले सरकार के खिलाफ कौन ऐसा बेटा आएगा जो लड़ेगा। वही समय में पदार्पण होता है धरती पर, हो जाते हैं उस जगह पर बाबूलाल मरांडी, और
जन समर्थन अपार मिलने लगा है। यही कारण है कि 75 विधानसभा कल तक हमारे संकल्प यात्रा खत्म हो गई थी, आज यहाँ पर हम समारोह संकल्प यात्रा का ये समापन कर रहे हैं 6 विधानसभा का, और ये कह सकते हैं आज संकल्प यात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जाने का आज शुभारंभ हो रहा है। हम अपने यात्रा का समाप्ति करते हुए हेमंत सोरेन को भगाने के लिए उनके लिए हम शुभारंभ कर रहे हैं। कल से जनता यहाँ से जाएगी और हेमंत सोरेन की विदाई करने के लिए संघर्ष करेगी। अच्छा कमलेश जी, मतलब कि बाबूलाल मरांडी का पार्टी में आना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, मतलब एक नई मजबूती पार्टी को मिल रही है। देखिए, जब याद इतिहास अब याद करेंगे, जब अलग राज्य हुआ तब देश में वन मंत्री थे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वन मंत्री इस्तीफा दिलाकर झारखंड भेजे, जाओ राज को संभालो, और बखूबी ऐसा संभाले। अगर ये चोर लोग अभी हेमंत सोरेन लोग चोर लोग के हाथ में झारखंड अगर पड़ जाता तो ना जाने झारखंड क्या से क्या हो जाता। आज बाबूलाल मरांडी जी ने जब सत्ता अलग राज्य की पहले मुख्यमंत्री बने तो याद करेंगे कि जो आदिवासी समाज का नौजवान जब बस पार होता था तो बस को रोकता था तो बस रुकता नहीं था, बस वाला सोचता था आदिवासी है, इसके पास पैसा नहीं होगा, भाड़ा नहीं होगा, बस रोकता नहीं था। जब बाबूलाल मरांडी जी इनको समझे, अरे तुम्हारा बस तुमको रोकता नहीं है, मैं सब बस देकर बस का मालिक बना दिया, मैं सब बस देकर आदिवासी भाई को SC भाई को बस का मालिक बना दिया, जिसको बस नहीं रुकता था वो बस का मालिक बन गया। हमारे लोग बस छोड़ दीजिए, बस बैठने का हवाई जहाज नहीं चढ़ सकते थे, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे तो हर साल 10 नौजवान आदिवासी भाइयों को हवाई जहाज चलाने के लिए पायलट बनाए, फ्री में पायलट बनाए। अब वो हवाई जहाज छोड़ने छोड़िए हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो ये दूरदर्शिता नेता हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं, इनके मुकाबले कोई नेता नहीं है, ये झारखंड को समझते हैं, यही आगे लेके जाएंगे। मतलब चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जनता इंतजार कर रही, कल चुनाव करा देने से पूछे ना, कल चुनाव करा देने से पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाएगी और हेमंत सोरेन को जिंदगी में वापसी आने का कोई आशंका नहीं रहेगा। जनता एक बार मुहर लगा देगी तो भाजपा का जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का जो विचारधारा है वो जमीन पर उतरेगा। और जिस प्रकार से लूट कसट हो रहा है, खनिज का लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा, जनता परेशान है, ये परेशानी नहीं होगा। जनता का घर पे जाएगा, अफसर का काम करेगा, ऐसा सुविधा ऐसा व्यवस्था बाबूलाल मरांडी जी लाने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर आती है अगली बार, अगर सत्ता पे आती है तो जनता के बीच में जाकर वो काम करेगी, लूट भ्रष्टाचार वो खत्म करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार देखिए ना, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, हर सप्ताह ऑनलाइन सारे DC को बैठा कर SP को बैठा करते, आज जनता बगल में होते थे, अपने कंप्लेन लेके आते थे और हर मंगलवार को रघुवर दास जी समय निकाल के बैठते थे और क्यों काम होता है, यहाँ पर आप बोलते हैं ये कंप्लेन, वहाँ से DC से, DC साहब क्यों काम नहीं हुआ है, DC SP काम नहीं हुआ है, वो बोला DC SP बोले जी सर बोल दिया मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा काम होता था। ये वो जो जनसंवाद केंद्र था जिस पर मोदी जी आपका रघुवर जी सुनते थे, उसमें ताला लगा दिया, इनको जनता के साथ बैठने का औकात ही नहीं है, जनता को ठग दिया। आज तक बताइए हेमंत सोरेन को बगल में कोई आम जनता बैठे देखे आप? 4 साल हो गया इस कार्यकाल का, हेमंत सोरेन बता दे आम जनता के साथ किसी कार्यक्रम में बैठा हो, बताइए एक भी फोटो हमको दिखा दीजिए, आम जनता से बैठ नहीं सकता, क्योंकि आम जनता से विश्वास हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ खड़ा रहता है। आज भी देखिए जितने कार्यक्रम आप देखेंगे कि आम जनता का जन सैलाब है, इंतजार कर रही है, सब माथा में हाथ देकर बैठल है, कब आइएगा मरांडी जी, हमारा किस्मत साढ़ कर दीजिएगा, किस्मत को हम लोग आगे लेके जाइएगा। तो देखिए आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी जी भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं, झारखंड में वो ईश्वर भगवान को प्रकट हो रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा जी ने को भगवान का दर्जा दिया, वैसे बाबूलाल मरांडी जी भगवान का दर्जा लेने वाले हैं यहाँ पर झारखंड के लिए। अच्छा दूसरी ओर जो अविनाश पांडे कह रहे हैं कि लोकसभा के जो 14 सीट है उनमें उनका दबदबा रहेगा, तो इस पर क्या कहना है? झारखंड में कांग्रेस आज तक एक सीट ज्यादा जितने नहीं किया है, अब जिसका एक सीट है वो 14 सीट का ख्याली पुलाव खाने का वो फिराक में है, वो अपने खुश होता है, क्योंकि अब वो नाखुश होकर मैंने उसका कार्यकर्ता लोग अब जनमेम के भरोसे आगे बढ़ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पकड़ के आगे बढ़ना चाहता है, तो कार्यकर्ता थोड़ा सा खुश हो जाए इसलिए वैसा बोलते हैं। हम जानते हैं हम लोग आम कार्यकर्ता हैं, हम गाँव में रहते हैं, गाँव में ही वोट होता है और गाँव से निकल कर शहर का भी हम लोग अपना जीवन बिताएँ। हम लोग गाँव के लोगों का कहना है मैं कांग्रेस का नहीं जानूंगा, मैं जनमेम का नहीं जानूंगा, इतना जरूर जानूंगा कि जनता भाजपा के साथ है, इसीलिए 11 सीट हमारे पास है, 11 सीट हमारे पास है, एक सीट उसके पास है, वो एक सीट उसके पास है, वो कल रहेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है, ये भी आप भी जानते हैं, इसलिए कांग्रेस शून्य में है यहाँ पर, उसका बात ही मत कीजिए,
सुनने पर जो सुनने पर उसे क्या बात करेंगे, वो तो किसी का पैर पकड़ के किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता ये आपका ये सॉरी ये झारखंड में राजनीति करता है, उसका अपना अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। अब वो अस्तित्व की लड़ाई लड़े, चुनाव नहीं लड़े, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़े। अस्तित्व की लड़ाई बोल रहे क्या खत्म हो चुका है। दूसरी ओर राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इसको लेकर अरे भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। झारखंड में उसकी सरकार है, आप देखें अब विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन करके एक 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 वर्ग से एक वर्ग को अच्छा करना, एक वर्ग को तोड़ना, माने तुष्टिकरण करना। बताइए संविधान के सबसे बड़ा मंदिर में आप नमाज कक्ष आवंटन करेंगे, मतलब तुष्टिकरण कर रहे हैं। आप मोहब्बत की दुकान में नफरत बेच रहे हैं, दुकान आप मोहब्बत का रख लिए हैं और सारा सौदा रखे हैं नफरत का, ये थोड़ी चलेगा। आप तो नफरत बेच रहे हैं यहाँ पर, ना शुक्रवार को स्कूल छुट्टी करवाते हैं आप, आज तक शुक्रवार को स्कूल कौन स्कूल छुट्टी होता, सरकारी स्कूल इतवार को ना छुट्टी होता है जी, शुक्रवार को छुट्टी कराते हैं। आप भारत देश की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ जोड़ रहे हैं आप, आप तो तोड़ रहे हैं। एक आपका नेता बोलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म बीमारी है, आप नहीं बोल पा रहे हैं तो उदयनिधि स्टालिन से बुलवा रहे हैं जो आपका इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, मैंने आपका विचारधारा जान रहा है। एक तरफ आप निकालेंगे जोड़ो यात्रा, मोहब्बत यात्रा, अपने लोगों से तोड़ो यात्रा करवाएंगे, जब देश को तोड़ेंगे। देखिए भारत देश है, हम सौहार्दपूर्ण देना चाहते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी का धरती है, ये धरती वसुधा कुटुंबकम के रास्ते चलने वाला धरती है, ये धरती को तोड़ना चाहता है ये लोग। आज तक तो वही किया, कश्मीर को अलग कर दिया, कौन अलग करके रखा था, भारत से अलग कर दिया। हमारा मुकुट है कश्मीर, हमारा प्रमाण चित्र में कश्मीर हमारा मुकुट था, वो मुकुट को ये कांग्रेस हटा दिया था, धारा 370 लगा दिया था। अरे मोदी जी आए जो कहा कि मेरा सत्ता आएगा 370 हटाएंगे, हटा दिया और हमारा कश्मीर मेरा मुकुट चमचमा रहा है और कश्मीर में तिरंगा लहर रहा है, ये हमारा, ये मोदी जी, ये बात समझना। ये लोग क्या बात करेंगे, जो तोड़ने वाला कार्य क्या बात करेगा ये लोग कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश राम जी। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता में एक खुशी की लहर है, एक हुजूम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ, जोहार।